हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू WWE वर्ल्ड। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के बारे में। दोस्तों आज मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है स्टेफनी मैकमैन से। स्टेफनी मैकमैन वहां पे आती हैं और कहती हैं, स्वागत है आप सभी का WWE के नंबर वन ब्रांड यानी वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। दोस्तों इसके बाद स्टेफनी कहती हैं कि कल हमारे सामने जैसा कि प्रूफ हो गया कि WWE का नंबर वन ब्रांड कौन सा है, तो चलिए स्वागत करते हैं उस शख्स का जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माई हस्बैंड द गेम ट्रिपल एच। दोस्तों इतने में ट्रिपल एच की एंट्री होती है और ट्रिपल एच रिंग के बीचों बीच खड़े होकर जैसे ही कुछ बोलने वाले रहते हैं कि तभी कर्ट एंगल की एंट्री होती है। दोस्तों कर्ट एंगल रिंग के बीचों बीच गेंग के सामने खड़े होकर कहते हैं कि ट्रिपल एच, आज मैं तुम्हारे सामने एक जनरल मैनेजर के रूप में नहीं बल्कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में खड़ा हूँ। दोस्तों उन्हें रोकते हुए स्टेफनी कहती है, कर्ट एंगल तुम भूलो मत, तुम WWE CEO के सामने खड़े हो और तुम एक जनरल मैनेजर हो। दोस्तों इतने में ही एंट्री होती है जेसन जॉर्डन की। जेसन जॉर्डन आते हैं और रिंग के बीचों बीच ट्रिपल एच के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मुझे तुमसे मैच चाहिए। दोस्तों इसके बाद कर्ट कहते हैं कि ये जेसन तुम चुप रहो, शायद तुम्हें पता नहीं वो WWE के CEO है, मैं जनरल मैनेजर और तुम एक चैलेंजर हो। दोस्तों इसके बाद जेसन कहते हैं कि आप यहां के जनरल मैनेजर हैं डैड, तभी आपसे कह रहा हूं कि आज रात आप मेरे और ट्रिपल एच के बीच में मैच फिक्स कर दीजिए, बट मुझे तो लगता है कि ट्रिपल एच मुझसे डरता है इसलिए मुझसे लड़ना नहीं चाहता। दोस्तों इसके बाद स्टेफनी मैकमैन कहती है, हे जेसन जॉर्डन तुम जान लो पूरे लॉकर रूम में ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जिससे ट्रिपल एच डरते हो। दोस्तों इतना सुनते ही वहां पे एंट्री होती है द मास्टर अमंग मैन ब्रॉन स्टोमन की। दोस्तों इसके बाद ब्रॉन स्टोमन आते हैं। ब्रॉन स्टोमन आके रिंग के बीचों बीच ट्रिपल एच के सामने खड़े हो जाते हैं। दोस्तों ब्रॉन स्टोमन को देख के ट्रिपल एच की फटने लगती है, ट्रिपल एच धीरे धीरे करके रिंग से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों ट्रिपल एच के जाने के बाद से स्टेफनी मैकमैन एक मैच फिक्स करती हैं ब्रॉन स्टोमन वर्सेस जेसन जॉर्डन टुनाइट इन रॉ। दोस्तों इसके बाद अगला मुकाबला में आस्का और डाना ब्रूक के बीच में देखने को मिलता है, जिसमें आस्का ने एक सुपर किक लगा के मैच में जीत दर्ज की। दोस्तों इसके बाद हमें दो बड़े सुपरस्टार यानी फिन बालर और सोमो जो के बीच में एक जबरदस्त मैच देखने को मिलता है। दोनों इस मैच में कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, जिसके बाद ये मैच बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और जानदार था, पर एट लास्ट सोमो जो ने एक सबमिशन लगा के फिन बालर को बेहोश करके इस मैच को जीता। दोस्तों इसके बाद हमें अगला सेगमेंट मिस का मिस टीवी के रूप में देखने को मिला, जहां मिस आते हैं और कहते हैं, कल रात बैरन कॉर्बिन ने मुझसे जीतकर अपने इतिहास की सबसे बड़ा मैच लड़ा, तो चलिए आज स्वागत करते हैं द शील्ड जिसने कल रॉ की तरफ से सबसे पहली जीत दर्ज की उसके बड़े मेंबर यानी रोमन रेंस का। दोस्तों इतना कहते ही रोमन रेंस नहीं आते थोड़ी देर तक। दोस्तों थोड़ी देर के बाद वहां पे एंट्री होती है रोमन रेंस। रोमन रेंस सेट रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस के साथ में उतरते हैं और उसके बाद मिस की टीम और रोमन की टीम में थोड़ी देर तक बहस चलती है। दोस्तों बहस के अंत में रोमन रेंस मिस से कहते हैं, कल रात हमने सर्वाइवर सीरीज में जीत दर्ज की और आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं, पर मिस कल तो तुम हार गए थे तो तुम आज इतने खुश क्यों हो। दोस्तों उसके बाद मिस कहते हैं, रोमन तुम आज जान लो इस रिंग में कोई अगर खड़ा है चैंपियन तो केवल मैं ही चैंपियन हूँ, तुम तीनों में से यहाँ कोई भी चैंपियन नहीं है। दोस्तों इसके बाद सेट रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस कहते हैं, हमें द बार से अपना रीमैच भी लेना है चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं, क्या मेरा क्या होगा, क्या मेरे पास कोई भी टाइटल नहीं रहेगा। मिस मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, क्या तुम मुझसे लड़ोगे अपने चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। दोस्तों उसके बाद कर्ट एंगल फिक्स कर देते हैं द मिस वर्सेस रोमन रेंस फॉर IC चैंपियन टुनाइट रॉ ऑन मेन इवेंट। दोस्तों इसके बाद हमें अगला मुकाबला देखने को मिलता है सीमस और डीन एम्ब्रोस के बीच में, जिसमें डीन एम्ब्रोस ने एट लास्ट एक डर्टी डिश लगा के मैच में जीत दर्ज की। दोस्तों इसके बाद हमें एक फेडरल फोर वे मैच देखने को मिलता है सासा बैंक, एलिसिया फॉक्स, मिकी जेम्स और बैली के बीच में। दोस्तों इन चारों में से जो भी जीतेगा आने वाले समय में वो लड़ेगा अलेक्सा ब्लिस से फॉर हिज वुमेन्स टाइटल। बट दोस्तों मैच के बीच में एंट्री होती है पेजे की। पेजे NXT की दो सुपरस्टार के साथ में आती है और चारों ही सुपरस्टार को तबीयत से खूब बजाती है, जिसके बाद ये मैच रद्द हो जाता है। दोस्तों इसके बाद हमें अगला मैच देखने को मिलता है ब्रॉन स्टोमन और जेसन जॉर्डन के बीच में। दोस्तों मैच स्टार्ट होते ही जेसन जॉर्डन को तबीयत से खूब बजाते हैं मास्टर अमंग मैन, उसके बाद वहां से जेसन जॉर्डन निकल लेते हैं। दोस्तों जेसन जॉर्डन के जाने के बाद पीछे से एंट्री हो जाती है केन की, उसके बाद केन मास्टर अमंग मैन को तबीयत से खूब बजाते हैं, इतना मार मारते हैं उसके उनके गले की इंजरी भी कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों एट लास्ट ब्रॉन स्टोमन वहां से खांसते खांसते बहुत तेजी से निकल जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें अगला मुकाबला देखने को मिलता है मिज और रोमन रेंस के बीच में। दोस्तों मैं बता दूं ये मुकाबला IC चैंपियनशिप के लिए रहता है, जिसमें रोमन रेंस मिज को एक स्पीयर लगा के हराते हैं और अपने कैरियर का पहला चैंपियनशिप IC चैंपियनशिप बेल्ट जीतते हैं। दोस्तों इसके बाद रोमन रेंस बन जाते हैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन अपने कैरियर में भी। दोस्तों इसके बाद तीनों ही सुपरस्टार रिंग में खूब मजे लेते हैं। उसके बाद दोस्तों रॉ का ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएगा कि आज का एपिसोड रॉ का आपको कैसा लगा, रोमन रेंस बने IC चैंपियन आप खुश हैं या फिर नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं चैनल पर तो जल्दी से चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर वॉचिंग, थैंक यू।